नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों। मैं कारी इज़्ज़त अली इज़्ज़त सैफी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जन सरोकार मंच का और श्रीमान देवेंद्र जी भाई साहब और जन सरोकार मंच की पूरी टीम का कि जिसने मुझे अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव आने का मौका दिया। साथ ही उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अभी मेरे साथ लाइन पर आ जाएंगे या आ गए हैं, और उन सभी मेरे कर्म फरमा दोस्तों का भी शुक्रिया जो बाद में मेरी इस फेसबुक लाइव को लाइव फेसबुक प्रोग्राम को जन सरोकार मंच के पेज पर बाद में भी सुनेंगे। आप सबका जन सरोकार मंच पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, शायरी की शुरुआत हमदे बारी ताला के दो तीन अशआर से करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरी दुनिया निखार दे मौला, मेरी दुनिया निखार दे मौला, मेरी उकबा संवार दे मौला, मेरी दुनिया निखार दे मौला, मेरी उकबा संवार दे मौला, और तेरे महबूब की मोहब्बत को, तेरे महबूब की मोहब्बत को मेरे दिल में उतार दे मौला, मेरे दिल में उतार दे मौला। आइए दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की हमद सना के बाद जनाब सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि पहले रब की सना कीजिए, पहले रब की सना कीजिए, हमद उसकी अदा कीजिए, कल्ब की ज़िंदगी के लिए, कल्ब की ज़िंदगी के लिए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कीजिए, और खैर तुम चाहते हो अगर, खैर तुम चाहते हो अगर ज़िक्र खैरुल वरा कीजिए, ज़िक्र खैरुल वरा कीजिए, पहले रब की सना कीजिए, हमद उसकी अदा कीजिए, कल्ब की ज़िंदगी के लिए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बाद जो भी हज़रात इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ गए हैं उन सबका शुक्रिया, और देवेंद्र जी भाई साहब और जन सरोकार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझको अपने इस प्रोग्राम में लाइव आने का मौका दिया। दोस्तों, शायरी की शुरुआत इस शेर से करता हूँ। शेर समाप्त फरमाए, अर्ज करता हूँ कि तुम सामने मेरे बैठी हो, तुम सामने मेरे बैठी हो, हर पल ऐसा लगता है, तुम सामने मेरे बैठी हो, हर पल ऐसा लगता है, हाथ बढ़ाता हूँ छूने को दीवार से जा लगता है, हाथ बढ़ाता हूँ छूने को दीवार से जा लगता है, और उम्र कटी है सारी इज्जत पासे वफा में अपनी तो, उम्र कटी है इज्जत पासे वफा में अपनी तो, अब कैसा ज़माना आया है अपना भी तो दूजा लगता है, अब कैसा ज़माना आया है अपना भी तो दूजा लगता है,
तुम सामने मेरे बैठी हो, हर पल ऐसा लगता है हाथ बढ़ाता हूँ छूने को, दीवार से जा लगता है। हाथ बढ़ाता हूँ छूने को, दीवार से जा लगता है। तुम सामने मेरे बैठी हो, हर पल ऐसा लगता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई गज़ल, पहले नई गज़ल आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, शेर समाप्त फरमाएं। बिलाल ये तो दिख रहा ना, फिर तो तेरा नहीं आ रही। याद कितनी आ रही है इन दिनों, याद कितनी आ रही है इन दिनों, मुझको क्यों तड़पा रही है इन दिनों, याद कितनी आ रही है इन दिनों। शेर समाप्त फरमाएं। आरज़ू का बाग है महका हुआ, आरज़ू का बाग है महका हुआ, तेरी खुशबू आ रही है आजकल, तेरी खुशबू आ रही है आजकल, मुझको क्यों तड़पा रही है आजकल, याद कितनी आ रही है आजकल। देखिए मौसम सुहाना हो गया, देखिए मौसम सुहाना हो गया, जुल्फ जो लेरा रही है आजकल, जुल्फ जो लहरा रही है आजकल। और गजल में दोस्तों कोरोना वायरस का एक शेर हुआ, एक तूफान लेके आया वायरस, एक तूफान लेके आया वायरस, मौत भी शर्मा रही है आजकल, मौत भी शर्मा रही है आजकल। शेर समाप्त फरमाएं। हर तरफ मायूसियां पे ली हुई, हर तरफ मायूसियां पे ली हुई, हर खुशी गम खा रही है आजकल, हर खुशी गम खा रही है आजकल, मुझको क्यों तड़पा रही है आजकल, याद कितनी आ रही है आजकल। मक्ता समाज फरमाए। तुमसे इज्जत के रहा है बरमला, तुम
से इज्जत के रहे बरमला आबरू थर्रा रही है आजकल आबरू थर्रा रही है आजकल याद कितनी रही है आजकल याद कितनी रही है आजकल। शुक्रिया दोस्तों हारिस वासिफी साहब जनाब रशीद नद्दाफी साहब और अफजल भाई भी मुझे दिख रहे हैं। एक अफजल भाई की फरमाइश पर जो उन्होंने फरमाइश भी की थी और कुछ मेरे और दोस्तों ने भी उस गज़ल की फरमाइश की है वो गज़ल जनाब अफजल साहब की फरमाइश पर और समाअत फरमाएं। गज़ल से पहले दो चार शेर और आपकी समातों की नज़र करूंगा। अभी ये भी ताज़ा मसले पे हुए हैं समात फरमाएं और तमाम साथी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चार एक मतला और एक शेर समात फरमाएं उसके बाद एक फरमाइश गज़ल सुनाऊंगा जनाब अफजल साहब की भी। तू जमाने की आबो हवा देखना तू जमाने की आबो हवा देखना फिर कहीं जाके रंगे वफा देखना जमाने की आबो हवा देखना तू जमाने की आबो हवा देखना ये जरूरी नहीं है हमारे हमारे लिए जो बुरा है तो उसको बुरा देखना तू जमाने की आबो हवा देखना तू जमाने की आबो हवा देखना फिर कहीं जाके रंगे वफा देखना तू जमाने की आबो हवा देखना। और अब एक गज़ल समाअत फरमाएं। रात होते ही तेरी याद चली आती है रात होते ही तेरी याद चली आती है रात होते ही तेरी याद चली आती आँख लगती नहीं नींद उड़ी जाती है आँख लगती नहीं नींद उड़ी जाती है रात होते ही तेरी याद चली आती है। शेर समाप्त फरमाएं।
दिल तो जलता रे मेरा शम्मा की मानिंद, मगर दिल तो जलता है मेरा शम्मा की मानिंद, मगर दिल तो जलता है मेरा शम्मा की मानिंद, मगर ये तो बुझता ही नहीं शम्मा बुझी जाती है, ये तो बुझता ही नहीं शम्मा बुझी जाती है, आँख लगती नहीं नींद उड़ी जाती है। वो शेर समाप्त फरमाए अफजल भाई, जनाब ध्यान दें अफजल भाई की फरमाइश पर। मैं कहाँ जाऊँ मेरे दिल के सुकून की खातिर, मैं कहाँ जाऊँ मेरे दिल के सुकून की खातिर, मैं कहाँ जाऊँ मेरे दिल के सुकून की खातिर, शेरे गुलशन भी अकेले में नहीं भाती है, शेरे गुलशन भी अकेले में नहीं भाती है, आँख लगती नहीं नींद उड़ी जाती है, रात होते ही तेरी याद चली आती है, याद आते हैं तेरे वादे मुझे जब जब भी, याद आते हैं तेरे वादे मुझे जब जब भी, तेरी बेमेहरी पे फौरन ही नजर जाती है, तेरी बेमेहरी पे फौरन ही नजर जाती है, आँख लगती ही नहीं नींद उड़ी जाती है, रात होते ही तेरी याद चली आती है, और जिंदा रहने की तमन्नाएं उभरती है बहुत, जिंदा रहने की तमन्नाएं उभरती है बहुत, जिंदा रहने की तमन्नाएं उभरती है बहुत, जिंदगी जब भी मोहब्बत के मजे पाती है, जिंदगी जब भी मोहब्बत के मजे पाती है, आँख लगती ही नहीं नींद उड़ी जाती है, रात होते ही तेरी याद चली आती है। मख्ता समाज फरमाए, क्या करूं किससे कहूं कोई बताए इज्जत, क्या करूं किससे कहूं कोई बताए इज्जत, वो तो आते ही नहीं रात ढली जाती है, वो तो आते ही नहीं रात ढली जाती है, आँख लगती ही नहीं नींद उड़ी जाती है। और अफजल भाई की नजर, दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि दिल तो जलता है मेरा
शम्मा की मानिंद मगर दिल तो जलता है मेरा शम्मा की मानिंद मगर ये तो बुझता ही नहीं शम्मा बुझी जाती है ये तो बुझता ही नहीं शम्मा बुझी जाती है रात होते ही तेरी याद चली आती है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जन सरोकार मंच और देवेंद्र जी साहब का कि उन्होंने मुझे अपने स्टेज पर लाइव आने का मौका दिया, और उन तमाम दोस्तों का भी जो अभी मेरे साथ लाइन पर हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं। दोस्तों, एक मैंने लॉकडाउन के टाइम पर एक नज़्म कही थी, लेकिन चूँकि कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हुआ, बहरहाल एक खसूसी नशीस में मैं इस नज़्म को पढ़ चुका हूँ। आप हजरात की नज़र यह नज़्म कर रहा हूँ। समाज फरमाएं कि अल्लाह ताला हमको इस कोरोना की बीमारी से बचाए और जल्द से जल्द हमें इसकी इस बला और इस वबा से महफूज फरमाएं, और हमें हमारे मुल्क को और हमारे शहर को खुशगवार बनाए। नज़्म मुलाहिज़ा फरमाएं हम खताकार हैं ये जताया हमें हम खताकार हैं ये जताया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें हम खताकार हैं जताया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें वायरस से तो इंसान डरने लगे वायरस से तो इंसान डरने लगे जो न करने थे वो काम करने लगे मस्जिदें बंद कर उनमें ताले लगा अब घरों में देखो ठहरने लगे डर खुदा का तो कुछ भी ना आया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें हम खताकार हैं ये जताया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया दूसरा बंद मुलायदा फरमाइश नज़्म का कोई जिन भूत सी एक बला माने हम कोई जिन भूत सी एक बला माने हम कोरोना को खुदाई वबा माने हम ये नतीजा हमारे गुनाहों का है बस इसे अपनी एक खता माने हम अब इसी ने तो बढ़कर रुलाया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें हम खताकार हैं
ये जताया हमें वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें। नज़्म का अगला बंद मुलाहिज़ा फरमाएं। मौत से सारी दुनिया ही डरने लगी, मौत से सारी दुनिया ही डरने लगी, अब हवा जिंदगी की बिगड़ने लगी, धंधे चौपट हुए जहमतें बढ़ गई, धंधे चौपट हुए जहमतें बढ़ गई, रोटी रोजी की सूरत बिखरने लगी। हाँ सबक इसने ऐसा सिखाया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें, हम खताकार हैं ये जताया हमें, वायरस ने ये दिन है सताया हमें। और बन मुदाय फरमान नज़्म का, सैकड़ों लोग हैं जो के लाचार हैं, सैकड़ों लोग हैं जो के लाचार हैं, हौसले खो गए दिल से बेदार हैं, जिंदगी खो गई हर खुशी खो गई, ना तो जीने न मरने के हकदार हैं, वायरस ने यूं देखो रुलाया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें, हम खताकार हैं ये जताया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें। और नज़्म का आखिरी बंद, मास्क मुंह पर लगाओ तो इज्जत मिले, मास्क मुंह पर लगाओ तो इज्जत मिले, दूर सबसे रहो तो ही राहत मिले, दूर सबसे रहो तो ही राहत मिले, हम पे लाजिम है अब आओ तो बा करें, एहतियातों से कुछ तो दिलासा मिले, आसमाने है बेशक सताया हमें, हम खताकार हैं ये जताया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें, हम खताकार हैं ये जताया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें, हम खताकार हैं ये जताया हमें, वायरस ने ये दिन है दिखाया हमें। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब देवेंद्र जी, और जन सरोकार मंच का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको अपने स्टेज पर लाइव आने का मौका दिया। और जिन जिन लोगों ने मेरे साथ इस फेसबुक लाइव को देखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और अभी
ताज़ा चल रही है उसके चंद अशआर आपको पेश करता हूँ। एक शेर और समाअत फरमाएं। दिल की दुनिया उदास है आजा, दिल की दुनिया उदास है आजा, ये नजर में आस है आजा, ये नजर में आस है आजा, गरचे चारों तरफ है सन्नाटा फिर भी तू आस पास है आजा, फिर भी तू आस पास है आजा, दिल की दुनिया उदास है आजा। ये बदल के और दोस्तों दो तीन अशआर पेश करता हूँ आपके सामने। वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं, वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं, वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं, बेझिझक मेरे ख्यालात में आ जाते हैं, बेझिझक मेरे ख्यालात में आ जाते हैं। शेर समाप्त फरमाए। जब कोई बात कभी उनको बुरी लगती है, जब कोई बात कभी उनको बुरी लगती है, लोग बेकार ही जज्बात में आ जाते हैं, लोग बेकार ही जज्बात में आ जाते हैं, वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं। और शेर गजल का जो मुझे सबसे अजीज है आपको भी पसंद होगा, कि हंसते हंसते निकल आते हैं आंसू ए दोस्त, हंसते हंसते निकल आते हैं आंसू ए दोस्त, हंसते हंसते निकल आते हैं आंसू ए दोस्त, जब तेरे कुर्ब के लम्हात में आ जाते हैं, जब तेरे कुर्ब के लम्हात में आ जाते हैं, बेझिझक मेरे ख्याला मैं आ जाते हैं, वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं। और दो शेर और सुन लिया, कि मुफलिसों को तो कोई पास बिठाता भी नहीं, मुफलिसों को तो कोई पास बिठाता भी नहीं, मुफलिसों को तो कोई पास बिठाता भी नहीं, पास दौलत हो तो सब साथ में आ जाते हैं, पास दौलत हो तो सब साथ में आ जाते हैं, बेझिझक मेरे ख्यालात में आ जाते हैं,
मक्ते पर तवज्जो चाहूँगा उसकी। जिनकी इज्जत कोई इज्जत नहीं होती इज्जत, जिनकी इज्जत कोई इज्जत नहीं होती इज्जत, जिनकी इज्जत कोई इज्जत नहीं होती इज्जत, अपनी इज्जत लिए हर बात में आ जाते हैं, अपनी इज्जत लिए हर बात में आ जाते हैं, बेझिझक मेरे ख्यालात में आ जाते हैं, वो कभी दिन में कभी रात में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जन सरोकार मंच और देवेंद्र जी का भी कि आपने मुझको लाइव आने का बहुत बहुत शुक्रिया मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी दोस्त अहबाब का भी जिन्होंने मेरे साथ इस प्रोग्राम को देखा, कमेंट किए, लाइक किया, और जो लोग बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे मेरी गुजारिश है कि मेरी शायरी को आप हजरात पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, आइंदा फिर कभी इंशाअल्लाह।